हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 3 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ पहल टू ब्रीज रेमिडिएशन वर्कबुक सब्जेक्ट इंग्लिश की, जिसमें हम देखेंगे वर्कशीट 44 से कंटिन्यू। तो इससे पहले हमने वर्कशीट 43 तक कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया था। अगर आपने किसी कारणवश कोई भी वीडियो मिस कर दिया है तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं उस लिंक को दबा करके। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज़रूर से ज्वाइन करें, ताकि आपको जो भी न्यूज़ अपडेट्स हो फटाफट से मिल सके। तो यहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे वर्कशीट 44 से। तो पूरा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको लिखना है, सिंपल वर्ड्स लिखने हैं, नेम ऑफ योर मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, फ्रेंड, टीचर, डिस्ट्रिक्ट, कंट्री, सिटी, विलेज और स्टेट। ठीक है, आपको अपने माताजी, पिताजी, बहन, भाई, फ्रेंड, मित्र, शिक्षकगण हैं उनके नाम, उनका नाम, डिस्ट्रिक्ट लिख देनी है, कंट्री लिख देनी है, विलेज लिख देना है, और जिस भी स्टेट में आप रहते हैं वो स्टेट लिख देना है, जो भी राज्य आपका है वो लिख देना है। तो इस तरह से जैसे मैंने लिखा है आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, वर्कशीट 45 है, लोकेट द पिक्चर एंड राइट देयर नेम। आपको पिक्चर्स के अकॉर्डिंग उनको नेम लिखना है। देखिए यहाँ पर ये क्या है, पटेटो। ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी सारे पटेटोज है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ES लगा देंगे। ठीक है, पटेटोज कर देंगे इसे। नेक्स्ट है टमेटो, टमेटोज लिख देंगे, यहाँ पर भी ES लगा देना है आपको। यहाँ पर रेडिश, ये क्या है, मूली। नेक्स्ट है पीज, यहाँ पर लिख देंगे पीस, PA। और नेक्स्ट है कैबेज, तो यहाँ पर लिख देंगे हम कैबेज। ठीक है, तो आप इसे इस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। ये था वर्कशीट 45। अब देखेंगे वर्कशीट 46, आइडेंटिफाई दी वर्ड्स एंड राइट देयर नेम। आपको आइडेंटिफाई करना है बर्ड्स को और उनके नेम लिखने हैं। तो सबसे पहले ये जो बर्ड है ये है पैरट, तोता। तो यहाँ पर लिख देंगे PARROT, पैरट यानी तोता, जिसे खाने में क्या पसंद है, चिली, मिर्ची खाना पसंद है। नेक्स्ट है पीजन, कबूतर, यहाँ लिख देंगे PIZEON, पीजन। ठीक है, जो कि कहा जाता है इनके लिए कि ये पहले के ज़माने में, पहले जो 100-200 साल पहले क्या होता था, कबूतर एक दूसरे, जो संदेश है वो कबूतर के थ्रू भेजा जाता था। ठीक है, तो इनकी एक ये पहचान है। नेक्स्ट कॉक, मुर्गा, COCK, कॉक यानी मुर्गा। तो मुर्गे की क्या पहचान है, बाग देता है सुबह सुबह। ठीक है, मुर्गे की बाग से ही जगते हैं, तो ये है मुर्गा। नेक्स्ट है स्पैरो, चिड़िया, सिंपल जो चिड़िया आपके आसपास दिखती हैं, आपको काफ़ी सारी चिड़ियाओं के झुंड दिखते हैं आजकल। हालांकि ये इनकी घर जो संख्याएं हैं वो कम, संख्या कम होती जा रही है, इनकी घटती प्रजाति जो है वो संकेत दे रही है कि जो वातावरण में जो पॉल्यूशन है वो काफ़ी बढ़ रहा है और पक्षियों की संख्या कम होती जा रही है। तो ये है स्पैरो, सिंपल चिड़िया जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट है पिकॉक, जो कि बहुत सुंदर डांस करता है, ये है PACOCK, पिकॉक यानी मोर। ठीक है, तो ये था वर्कशीट 46। अब देखेंगे वर्कशीट 47, जिसमें है कलर द पिक्चर विद गिविंग कलर। आपको कलर करना है सिंपली पिक्चर में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको जो कलर्स दे रखे हैं उनके थ्रू आपको कलर करना है। जैसे ब्लू कलर यहाँ पर पेन में हम कर देंगे, ग्रीन कलर आप लॉक में कर दीजिए, रेड कलर कर दीजिए की में, ब्लैक कलर कर दीजिए पेंसिल में, वाइट कलर काउ में कर देना है और ब्राउन कलर कर देना आपको गॉट यानी बकरी में। ठीक है, तो ये डन होता है आपका वर्कशीट 47। अब देखेंगे असेसमेंट नंबर 5, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है लोकेट द पिक्चर एंड राइट देयर नेम। यहाँ पर आपको पिक्चर्स के अकॉर्डिंग नेम लिखना है। यहाँ पर वन एप्पल है, यहाँ लिख देंगे APPLE, एप्पल यानी सेब। नेक्स्ट है ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज यानी संतरा। नेक्स्ट है पटेटोज, तो यहाँ पर आपको ES लगा देना है। ठीक है, पटेटोज हो जाएगा आलू। ठीक है, काफ़ी सारी आलू है इसलिए हम पटेटोज लिखेंगे, एक आलू होता तो पटेटो लिखते। ठीक है, इसकी स्पेलिंग होती है POTATO, पटेटो, और ES लगा करके ये हो जाएगा प्लूरल पटेटोज। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड एंड सर्कल दी नेम ऑफ कलर। कलर आपको सर्कल करना है, कलर के नेम को फाइंड करना है और उन्हें सर्कल करना है। जैसे यहाँ पर कलर हो जाएगा रेड, ब्लैक, ग्रीन, ब्लू, वाइट, इन्हें सर्कल कर देंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है फिल इन द मिसिंग लेटर। मिसिंग लेटर आपको फिल करना है। सबसे पहले पिक्चर है रेडियो की, यहाँ ADI लिख देंगे जिससे बन जाएगा RADIO, रेडियो। नेक्स्ट है हैंडपम्प, यहाँ लिख देंगे AN और UM जिससे बन जाएगा HAND, APUMP, हैंडपम्प। नेक्स्ट है स्कूटर, SCOOTER होता है स्कूटर, तो यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट है डॉक्टर, DOCTOR, डॉक्टर, तो यहाँ पर ये स्पेलिंग सही कर देनी है आपको,
ओ कर देना है, ठीक है, स्कूटर। फोर्थ क्वेश्चन है, राइट दी प्रीपोजिशन इन, ऑन, अंडर। इन के अंदर, के ऊपर के लिए ऑन का यूज़ करते हैं और के नीचे के लिए अंडर का यूज़ करते हैं। अब देखिए डॉग नंबर वन कहाँ पर है, कार के ऊपर, यहाँ लिख देंगे ऑन दी कार। डॉग नंबर थ्री कहाँ पर है, टेबल के नीचे, यहाँ लिख देंगे अंडर दी टेबल। डॉग नंबर फिफ्थ कहाँ पर है, बास्केट के अंदर, यहाँ हो जाएगा डॉग नंबर फाइव इज इन दी बास्केट। फिफ्थ क्वेश्चन है, राइट दी नेम ऑफ योर मद, आपको लिखना है मदर, आपकी कंट्री का नेम, आपके फादर का नेम, लाइक टीचर का नेम। तो यहाँ पर देखिए मदर लाइक सुनीता, कंट्री इंडिया, अपनी कंट्री कौन सी है, देश कौन सा है अपना, इंडिया, फादर जगन, टीचर प्रिया। तो आप अपने टीचर, अपने माता पिता और कंट्री का नाम लिखें यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है वर्कशीट 48, तो ये होता है आपका असेसमेंट नंबर जो फिफ्थ का सॉल्यूशन डन। अब देखेंगे वर्कशीट 48 जिसमें है ड्रॉ पिक्चर ऑफ अ हर्ट, हर्ट एंड अ ट्री एंड कलर देम। आपको हर्ट और ट्री का पिक्चर ड्रॉ करना था और उन्हें कलर करना था, ठीक है। तो झोपड़ी बना देनी है इस तरह से और एक ट्री बना देना है और इसे कलर कर देना है आपको। तो कलर आप अपने अकॉर्डिंग करें, जैसे पेड़ को आप हरा भरा कर सकते हैं, ऊपर से यहाँ पर ग्रीन कलर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप कलर कर सकते हैं, इसका जो तना है इसे ब्राउन कलर से कर सकते हैं, झोपड़ी में ऊपर ग्रीन कलर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसे अपने अकॉर्डिंग कलर करिए और इस तरह से आपको ये ड्रॉ करना था। ये होता है वर्कशीट 48 डन। अब देखेंगे वर्कशीट 49 जिसमें क्वेश्चन है राइट द सेंटेंस प्रॉपरली, आपको उस सेंटेंस को प्रॉपरली कॉलम में लिखना है, ठीक है, करेक्ट स्ट्रोक का यूज़ करते हुए। यहाँ पर है दिस इज़ माई स्कूल, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से लिख देना आपको, दिस इज़ माई स्कूल फुल स्टॉप, दिस इज़ माई स्कूल फुल स्टॉप। तो यहाँ पर इस तरह से करेक्ट स्ट्रोक में इन्हें फिल करते हुए जाना है और पूरी वर्कशीट को कंप्लीट करना है। तो ये होता है वर्कशीट 49 डन। अब देखेंगे वर्कशीट 50 जिसमें है अगेन री राइट दी सेंटेंस प्रॉपरली, आपको सेंटेंस को री राइट करना है प्रॉपरली करेक्ट स्ट्रोक में। तो कैपिटल लेटर फर्स्ट सेकेंड का यूज़ होता है कैपिटल लेटर में, जो स्मॉल लेटर होते हैं उनका सेकेंड या फर्स्ट सेकेंड थर्ड या सेकेंड थर्ड में यूज़ होता है। तो इस तरह से जौन सा जो स्ट्रोक में आता है जो भी लेटर, आपको उन्हें उस स्ट्रोक में लिखते हुए इसे कंप्लीट करना है, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देना सेंटेंस की। राकेश लाइव्स इन अ विलेज, राकेश लिव इन अ विलेज, आपको ये लाइन प्रॉपरली करेक्ट स्ट्रोक में इस तरह से लिखते हुए जानी है। तो ये डन होता है वर्कशीट 50। तो इस तरह से हमने पूरे वीडियो में देखा वर्कशीट 50, वर्कशीट 49, वर्कशीट 48, असेसमेंट नंबर 5, वर्कशीट 47, वर्कशीट 46, वर्कशीट 45, वर्कशीट 44। इसी तरह हम आपकी कक्षा से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस और भी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ देखते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।